अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज एक दिवसीय दौरे पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मथुरा गोवर्धन चौराहा पेट्रोल पंप पर पहुंचे। यहां पर इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताते हुए कोरोना वायरस पर कहा कि भारत सरकार के पहले ही कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली थी और पहले ही कोरोना वायरस भारत में आने का संदेह था। कई राज्यों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, इसके हर स्थिति में कोरोना से निपटा जाएगा। वहीं मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कमलनाथ सरकार के बहुमत पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस का यह निजी मामला है और क्या वह सरकार बना पाएंगे यह तो वही बता पाएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के सवाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह तो समय बताएगा। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। लेकिन जब हम ये कहते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे तो आप लोग पूछते थे साक्षी जी डेट नहीं बताएंगे, अब तो डेट भी बता दी और विश्व का सबसे सुंदर भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का बनेगा और संभावना है कि माननीय मोदी जी नवरात्र में जाके चला कैश करें। क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आप शंख भूकेंगे? आप ये मामले तो अपने आप ही हमारे मुस्लिम भाइयों को समझदारी का परिचय देकर के इनका समाधान कर लेना चाहिए। महाराज जी आजकल पूरे देश में एक महामारी घोषित हो चुकी है कोरोना वायरस, क्या कहना चाहोगे आप इसमें? चीन से प्रारंभ हुई और चीन में नॉन वेज के 170 प्रकार के आइटम हैं। वो चमगादड़ को भी नहीं छोड़ते, चूहे को भी नहीं छोड़ते, कुत्ते को भी नहीं छोड़ते, चचिंदर को भी नहीं छोड़ते, छपकली को भी नहीं छोड़ते, सांप को भी नहीं छोड़ते। तो सारे देश में कोरोना वायरस का जो आक्रमण हुआ है, महामारी फैली है, उसके पीछे नॉन वेज है। सारे विश्व की समझ में धीरे धीरे आ रहा है और जैसे ही ये संक्रमण प्रारंभ हुआ सारे विश्व में, भारत उसकी जानकारी हुई तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बहुत ही ताकतवर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, समय गमाए बिना उन्होंने तत्काल उसकी व्यवस्था कर ली कि हमको इसे लड़ाई लड़नी है। तो हम लोगों ने महामारी तो घोषित किया है पर आप देख रहे हैं कि तत्काल सारे प्रबंध करना, सारे हिंदुस्तान तक आवाज पहुंचाना, आपका मोबाइल भी शायद बोलने लगा होगा। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई और 10-11 लोग हमने ठीक कर लिए। 2 मौतें हो चुकी हैं हिंदुस्तान में, आपकी जानकारी होगी, हमारी जानकारी में नहीं है और सरकार की जानकारी में नहीं है। मौत तो पता नहीं कितनी होती रहती है लेकिन कोरोना वायरस से अब तक एक भी डेथ नहीं हुई है, 11 लोग ठीक हुए हैं। सरकार ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है पर हिंदुस्तान में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसकी वैक्सीन आम मेडिकल स्टोरों पर या किसी तरह की उपलब्ध कराई जा रही है सरकार की तरफ से, अगर वो सही हुआ? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हजारों डेथ होती है एक्सीडेंट के कारण, कैब की तो आप चिंता कर रहे हैं लेकिन हेलमेट की तो कोई चिंता नहीं कर रहा। हजार मौत होती है और कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई और किसी मौत की मौत होने नहीं देगी सरकार, पूरी ताकत से लगी हुई है। जिस तरह तो जरा उस तरफ भी पूरी प्रेरणा करो कि लोग सरकार इतनी चिल्ला रही है, इतनी मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट में हिंदुस्तान में कितने लोग मर रहे हैं, पर कोरोना वायरस का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। सरकार बहुत सजग है, सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और कहीं भी ऐसी कोई बात हो तो हेल्प नंबर, हेल्पलाइन का नंबर दे रखा है, लोग सूचित कराएंगे, सरकार तत्काल हरकत में आएगी। मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम, किस विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, अब सिंधिया के बाद किसका नंबर है भाजपा की लिस्ट में? कौन इस्तीफा दे चुका मध्य प्रदेश में? ये कांग्रेस का अपने अंदरूनी मामला है, उसमें हस्तक्षेप क्या करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ने देश का बहुत अहित किया है। अगर कांग्रेस धार्मिकता के आधार पर देश का बंटवारा न कराती,
देश के तीन टुकड़े न कराती तो आज हमारी सरकार को CAA लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगता है कि धर्म के आधार पर आप ये कानून लेकर के आए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया धर्म के आधार पर वही हमारे विरोध में खड़े हुए हैं। जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगला में गैर मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने के लिए कानून नहीं है। तो कुल मिलाकर के देश सही मार्ग में चल रहा है और ये सब कुछ मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के फिर में है क्या? कांग्रेस अपनी ताकत लगा ली, हम लोग राजनीतिक गठबंधन जो हम लोगों ने बना रखा है राजनीति में कर रहे हैं, तो माला फेरने के लिए तो बनाया नहीं, अवसर मिलेगा तो सरकार जरूर बनाए। हाँ जी, आपने अभी CAA की बात कही है, पूरे विश्व भर में मोदी जी उसका बता रहे हैं उसके फायदे, लेकिन उनका सहयोगी अकाली दल पंजाब में वो उसके विरोध में आ गया है। पता नहीं कितने लोग विरोध में आएंगे, लेकिन मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और सरकार एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी राष्ट्रहित का जो कार्य होगा, कानून होगा, सरकार उसको करेगी। मैं किसी पार्टी का नाम लिए बिना स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन छोटे छोटे दलों को अपना दल अपना परिवार बचाने की चिंता है, मोदी जी को देश बचाने की चिंता है। हम देश की राजनीति करते हैं, मोदी जी देश की राजनीति करते हैं, और जो दल हैं छोटे छोटे वो या परिवार की राजनीति करते हैं या फिर अपने दल की राजनीति करते हैं या दल के दलदल में फंसे हुए हैं, पर मोदी जी केवल और केवल राष्ट्र की राजनीति। राम मंदिर निर्माण कब शुरू हो रहा है? अब तो डेट फिक्स हो गई और मेरा तो राजनीति में प्रवेश ही इस मथुरा से प्रभु श्री राम के मंदिर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.